नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आज फिर से आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि रेगुलर प्रोफाइल के बारे में कि किस तरह की डिजाइन रहती है, किस प्रकार से फिटिंग होता है। जैसे यहाँ पे जो सामने फिटिंग हो रहा है वो मेजरमेंट पहले से ही तैयार करके दरवाजे का तैयार कर दिया रहता है, और जो इंजिस यूज किए गए हैं जो सॉफ्ट क्लोज वाले नहीं रहते हैं, इसमें नॉर्मल वाले यूज होते हैं। और जो सामने की साइड में जो हैंडल का यूज रहता है वो जी प्रोफाइल जैसा नॉर्मली हैंडल रहता है, और जो ग्लास का यूज रहता है 4 mm से 5 mm के बीच में रहता है, अलग से फिल्म नहीं लगता है इसमें। और जो कांच के ऊपर ही डिजाइन बना हुआ आता है रेगुलरली जो यूज रहता है। क्योंकि यदि प्राइस की बात की जाए तो 450 से 550 तक स्क्वायर फीट में रहता है। वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिक के ऊपर कि कौन सा लेना है। जैसे ये बिल्कुल छोटे शटर है तो इसमें 5-5 kg के हाइड्रोलिक का यूज किया गया है। एक शटर में 2 हाइड्रोलिक, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जो कि यदि एक सिंगल साइड में यदि हाइड्रोलिक लगाएंगे तो उसकी जो ऊपर की जो लाइनें रहती हैं वो अच्छी तरह से मैच नहीं हो पाती है। जैसे 4-5 शटर हो एक लाइन में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। और इनमें यदि ग्लास की बात की जाए तो ग्लास बिल्कुल 3 mm से लेकर 4 mm तक का ही रहता है, और कोई टफन वफन नहीं रहता है, बिल्कुल सादा नॉर्मल कांच रहता है, जो थोड़ा सा लगती करेक होने का चांस रहता है। और जो हाइड्रोलिक रहता है ये दरवाजे के वजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वजन में कितना थोड़ा और लंबाई कितनी है, तो उस प्रकार से लगाया जाता है। जहाँ यहाँ पे बिल्कुल छोटे दरवाजे हैं, 2 फुट बाई 1.5 फुट के दरवाजे हैं, तो उनमें 5-5 kg में कोई इश्यू नहीं रहता है। यदि जीरो प्रोफाइल का यदि वीडियो देखना हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिए। उस इससे थोड़ा वो अलग आता है, इसमें एल्युमिनियम की फ्रेम दिखती है, उसमें बहुत कम फ्रेम दिखती है। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी तरीके से इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। सो थैंक यू।